हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट की डिब्बी। तो आज आपको ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ कि आपके खांसी हो रही है या जुकाम हो रही है, जैसे छाती में कफ हो रहा है, आपको बार बार छींके आ रही है, तो इसके लिए आपको एकदम घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ। और ये नुस्खा बहुत ही असरदार है और बहुत ही अच्छा भी है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने 1 चम्मच गाय का घी लिया है। तो मैंने 1 चम्मच गाय का घी डाल दिया। आपके पास गाय का घी है तो गाय का घी डालिए ज़रूर, क्योंकि गाय का घी बहुत ही लाभकारी रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और गाय का नहीं है तो आप और भी घी, भैंस का घी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस टीस्पून से इसके अंदर डाल रही हूँ। मेजरमेंट देखिए, आप देख लीजिए, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने 2 चम्मच से मैंने कम डाला है, 2 टीस्पून से मैंने थोड़ा कम डाला है इसके अंदर। मैंने डाल दिया इसके अंदर बेसन। तो बेसन डाल के अच्छे से भून लेती हूँ इस बेसन को। गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखिए, स्लो फ्लेम पे आपको बेसन को तब तक भूनना है 4-5 मिनट कि बेसन का एकदम कलर चेंज हो जाएगा। आप एक बार ये नुस्खा अपना के देखिए और फिर देखिए खुद में, अपने आप में कितना फर्क पड़ता है। जैसे जिस हिसाब से आपको खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, बार बार आपको छींके आ रही है, एलर्जी हो रही है, तो इसके लिए एक रामबाण नुस्खा है ये। तो ये देखिए, बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया है और बेसन का कलर देखिए कितना चेंज हो गया है। जैसे पहले से बहुत ही काफ़ी इसका कलर चेंज हो गया है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये नुस्खा आप ज़रूर बनाइए। तो चलिए, अब इसके अंदर दूसरी चीज़ इसमें क्या डालनी है, वो डालनी है इसके अंदर दूध। तो मैं आपको जब भी बता रही कि मेजरमेंट से करिए आप, मैं इसमें 2 कप दूध डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 2 कप बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 टीस्पून से कम डाला, 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून, 1.5 चम्मच में इसके अंदर बेसन डाला। आप जितना कप बना रहे हो उस हिसाब से आप बेसन डालिए। तो ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं रहनी है, गुठलियाँ नहीं रहनी है, इस तरीके से इसको व्यवस्थित कर लेना है। इसीलिए आपको दूध एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिए और अच्छे से आप इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए। और गैस की फ्लेम को आप लास्ट तक स्लो ही रखिए। स्लो फ्लेम पर आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए, मैंने दूध इसके अंदर डाल दिया है और इस तरीके से मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है इलायची पाउडर। और मैं आपको पहले भी बताया कि जितना आपको ज़्यादा, जैसे हो रहा है, जैसे खांसी जुकाम ज़्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हरी इलायची को पीस के उसका मैंने पाउडर डाल दिया। वो थोड़े से डाल दिए इसके अंदर केसर के धागे। और अब इसके अंदर डाल देती हूँ अदरक का रस। मैंने अदरक को कूट की, कोई भारी जैसे अपन चाय वगैरह में डालते वैसे कूट की या कस की, आप कोई छलनी में डाल दीजिए और इस तरीके से आप इसका रस दबाते हुए डाल दीजिए। या आप सौंठ का पाउडर आता है, वो सौंठ का पाउडर आप 1/2 टीस्पून सौंठ का पाउडर डाल दीजिए। ये आप ज़रूर डालिए। सौंठ का पाउडर नहीं डाल रहे तो आप अदरक का रस डाल दीजिए या आप सौंठ का पाउडर डाल दीजिए। तो देखिए, ज़्यादा कोई परेशान दिक्कत नहीं है, ज़्यादा जुकाम वगैरह किसी का नहीं है, इसलिए मैंने अदरक का पेस्ट भी कम ही डाला है मैंने इसके अंदर। पर किसी के जुकाम है या खांसी है, बलगम जम रहा है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दीजिए। तो अब इसके अंदर डाल देती हूँ तीसरी चीज़, हल्दी का पेस्ट भी आप पाउडर भी डाल सकते, सूखी हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं। मैं हरी हल्दी को कस की और इसका रस इसके अंदर डाल देती हूँ। और इसका रस इतना टेस्टी लगता है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा लगता है और किसी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि अंदर केसर के धागे और डाल दिए तो केसर की इतनी अच्छी खुशबू हो जाएगी और बहुत ही प्यारा इसका कलर भी आएगा। तो चलिए, अब 4-5 मिनट इसको अच्छी तरीके से पका लेते। और अब इसके अंदर डालना है मीठा। तो मीठा देखिए, इसके अंदर गुड़ या चीनी कोई भी इसके अंदर नहीं डालना है। मैं आपको इसके अंदर यही सजेशन दूंगी कि इसके अंदर मीठा तो बहुत ही ज़रूरी है डालना, क्योंकि जैसे मीठा डालोगे तभी ये टेस्टी लगेगी और अच्छी लगेगी। तो इसके अंदर मीठा डाल देते हैं, जो धागे वाली मिश्री आती है उस मिश्री का इसके अंदर पाउडर बना के वो डाल देते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से बन गई है। और जितनी आपको थिक करनी है उस हिसाब से, पर इनसे ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती है।
और यही है जुकाम के लिए एक रामबाण ये नुस्खा है, आप ज़रूर अपनाइए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए धागे वाली जो मिश्री आती है, जो डले वाली मिश्री बोलती है, उस मिश्री को आप कूट के कोई भारी बर्तन से और उसका पाउडर बना के इसके अंदर डाल दीजिए। जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से डाल दीजिए। और डाल के अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। और चलिए पक्की ये तैयारी हो गई है। इसका कलर देखिए कितना प्यारा है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और अब गर्मा गर्म आप कोई भी कप या कटोरी में डाल के दे दीजिए। जैसे बच्चे ले रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ठंडा करके दे दीजिए, क्योंकि वो उतना गर्म नहीं पीते। जैसे बड़े को दे रहे हो तो ऐसे गर्म गर्म ही आप उसको दीजिए, और गर्मा गर्म ही वो चम्मच से आप पियोगे तो बहुत ही फायदा होएगा जुकाम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये नुस्खा एक बार अपना के ज़रूर देखिए, बहुत ही फायदेमंद है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगी आपके पास, जब भी नया वीडियो डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। और इस तरीके से आप गर्मा गर्म पीजिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी गलती हो वीडियो में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।